रिलेशन बिटवीन एंगल्स जब लाइन एम पैरेलल हो लाइन एन, इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल्स बन रहे उनका क्या रिलेशन है आपस में। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या, अगर लाइन एम पैरेलल है लाइन एन के, ठीक है ना, और इनको जो ट्रांसवर्सल लाइन एल पड़ रही है, इसकी वजह से जितनी भी एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां बन रहे वो आपस में बराबर होंगे। पहला पॉइंट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, वहां जितने भी पेयर्स बन रहे हैं किनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो बराबर होंगे। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी तरह से एंगल 2 एंगल 6 भी बराबर होंगे, ठीक है ना। अब इसी का एक और पॉइंट बन रहा है, इसी का कन्वर्स जो है वो है, अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल सच दैट वहां जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि लाइंस आपस में पैरेलल है। ये हो गया पहला और दूसरा पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट तीसरा है, लेकिन मैंने ये दूसरा लिखा है क्योंकि दूसरा जो असली में था वो मैंने समझा दिया, इसका कन्वर्स है। तीसरा पॉइंट हमारा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, वहां पे जो ईच पेयर बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, वहां पे जो ईच पेयर बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, जैसे एंगल 4 एंगल 6 अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3 एंगल 5 भी अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। रीजन इनका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। इसका कन्वर्स देखिए आप क्या है, अगर लाइन एल जो है दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये हमें नहीं पता वो पैरेलल है या नहीं, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट वहां पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो बराबर हैं, वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो दो लाइंस वो आपस में पैरेलल है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, अगर लाइन एम लाइन एन को पैरेलल है और वहां पे लाइन एल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल पड़ रहा है, यहाँ जो इंटीरियर एंगल्स जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो जो बन रही है वो जो पियर्स बन रहे हैं वो आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ये हमारा चौथी पांचवी रिलेशन है, ये कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो इनको जो ट्रांसवर्सल वहां पे पड़ रहा है, वहां जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं वो क्या है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। इस तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। अब इसका कन्वर्स लेते हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस को, अब हम यहां नहीं कह रहे कि ये पैरेलल लाइंस है क्योंकि हमें यहां दिखाना है कि ये पैरेलल लाइंस है या नहीं, सच दैट वहां जो पेयर बन रहा है, जोड़ी बन रही है किनकी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो हम कह सकते हैं फिर कि जो ये दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन, ये आपस में पैरेलल है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, सबसे पहले हमने सीखा कि अगर लाइन एम और एन पैरेलल है, इनको एक लाइन एल पड़ रही है ट्रांसवर्सल, वहां जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में बराबर होंगे, और रिलेशन नंबर 2 हमने पढ़ी कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एम और एन यानी वो जो दो लाइंस वो आपस में पैरेलल हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं वहां जो ट्रांसवर्सल पड़ रही है उसकी वजह से जो पियर्स बन रहे हैं किनकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, वो बराबर होंगे, और इसका कन्वर्स अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो वहां पे जो लाइन एम और एन है या कोई भी दो लाइंस जो वहां पे है वो आपस में होती है पैरेलल। इस तरह से जो आखिरी रिलेशन हमने सीखी वो ये कि अगर दो लाइंस पैरेलल है आपस में और वहां जो इंटरसेक्ट करने वाला है ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल वहां पड़ रहा है, तो वहां जो पियर्स ऑफ कौन बन रहे, पियर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या हम कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो क्या बनते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या हमारा ये लास्ट वाला रिलेशन था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट नहीं इंटीरियर एंगल्स, यहां कांसेप्ट चल रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल 4 एंगल 5 इनका ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, एंगल 3 एंगल 6 180 के बराबर आएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और फिर हमने आखिरी स्टेप इसका पढ़ा कि इसका कन्वर्स, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस को सच दैट वहां पर जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री है, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो जो पियर्स वो जो दो लाइंस है लाइन एम और लाइन एन ये आपस में पैरेलल है। इस तरह से जो एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक्स था वो हमने क्लियर किया। अब हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज पे और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।